वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल रेमिडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम और उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम गर्मियों के हिसाब से आपके लिए एक झटपट सा इंस्टेंट अचार बना रहे हैं और ये इसमें आपको कोई ज़्यादा तेल का काम नहीं है, कुछ पकाना आपको ज़्यादा नहीं है, भाप में ही पकने वाली चीज़ है। और ये देखें कैरी अभी आ रही है, सीज़न हैगा तो कैरी बहुत जल्दी चली जाती है, ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है क्योंकि फ़ौरन आम आने शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने आपको अपनी रेसिपी में एक मैंगो शेक बनाना सिखाया था तो अभी मुझे दोबारा कैरी नज़र आई है तो मैंने कहा आपके लिए एक इंस्टेंट अचार बनाते हैं। तो ये देखें मेरे पास ना दो बड़ी कैरियाँ थी तो मैंने उनको इस तरह पतला स्लाइस कट कर लिया, तो इनको छिलका मैंने उतार दिया इनका, तो इनको कट कर लिया। और ये देखें ये मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं, ये बड़ी वाली हैं, मैंने इनको चॉप कर लिया है, ऐसे ही दो दो टुकड़े कर लिए। और ये नज़र आ रहा होगा आपको, देखें ये कड़ी पत्ता है, थोड़ा कड़ी पत्ता हम यूज़ करेंगे। और हम ये भी बता दें आपको कि ये देखें ये जो कड़ी पत्ता है ये हमारे अपने गार्डन का हैगा, हमारा ये पेड़ लगा हुआ है कड़ी पत्ते का, तो ये इसमें बहुत ही भीनी खुशबू आती है और खुशबूदार पेड़ है ये, तो ये हमने अपने गार्डन से ही तोड़ा है। ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था ये कड़ी पत्ते का पौधा, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके साथ हमें देखें क्या क्या चाहिए होगा। थोड़ी सी हमें कलौंजी चाहिए होगी, ये देखें ये मैंने छोटा टेबल स्पून जो है वो एक चमचा मैंने कलौंजी का लिया है, एक चमचा राई दाना लिया है, एक चमचा ही मैंने ज़ीरा लिया है और एक ही चमचा छोटी वाला जो है वो मैंने सौंफ का लिया है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये चाहिए होगा मेथी दाना, नमक चाहिए होगा और थोड़ा ऑयल चाहिए होगा। तो ये हम अपना अभी स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हम अपने पैन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा ये हमने अपनी छोटी एक पतीली ले ली है, इसमें हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लें, बहुत ज़्यादा भी ना लें, बहुत कम भी ना लें। तो ये देखें ये मैंने तकरीबन ये होंगे 6 चम्मच के टेबल स्पून अराउंड इतना होगा। और चूल्हा हमारा मीडियम पे है, मीडियम टू लो है बस, और हमने गर्म करने के लिए रखा था। अच्छा, सबसे पहले ये हम अपने ये देखें इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये देखें ये मैंने इसको जो क्या कहते हैं पी रखा है, अगर आप चाहें तो इनको आप दरदरा भी कूट सकते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले इनको ऐड करना शुरू करूँगी। ये देखें ये हमारे पास ज़ीरा है, ये डाल देंगे, सौंफ है ये डाल देंगे, और जनाब ये हमारे पास कलौंजी है ये भी डाल देंगे, और ये राई है इसको भी डाल देंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं, इनको हम हल्का सा सौते कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनको देखें डार्क कलर नहीं देंगे। अच्छा, मेथी दाने का जो है कलर ज़रा जल्दी डार्क हो जाता है तो अभी मैंने इसको यहाँ ऐड नहीं किया, लेकिन आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे इसको ऐड कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसको हम ज़रा सा सौते कर लेंगे, बस ज़रा सा इनमें हल्का सा कलर आ जाए और खुशबू इसकी आने लगे। तो ये देखें ये बस ही बहुत जल्दी से ही ड्राई हो जाता है और कलर देने लगता है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दाना, देखें ये मैं थोड़ा सा हल्का सा मेथी दाना डाल रही हूँ, बस ये मेथी मैंने दाना डाला है, और इसके साथ ही मैं ये मिर्चें और कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, इसको आप दाल के साथ, चावल के साथ, या कोई भी आपके चावल की रेसिपी हो उसके साथ आप बनाएं और इसको रख लें बना के फ्रिज में। तो इनको मैं हल्का सा ज़रा सा सौते करेंगे और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और धीमी आ रही है क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। तो कड़ी पत्ते का एक पौधा जो होता है उसमें खुशबू नहीं होती, तो कोशिश करें आप खुशबूदार ही लें, सब्ज़ी वाले के यहाँ आपको मिल जाएगा खुशबूदार। अच्छा, बस हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, इसी के साथ हम थोड़ा सा कुक करेंगे। तो इसको हम अपनी कैरी भी अपनी बारीक स्लाइस में जो कटी हुई है वो हम ऐड कर देंगे। देखें मिर्चों का जो है वो हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, थोड़ी सी मीडियम फ्राई सी हो गई हैं ये हल्की सी, इनको हमने सौते कर लिया है। तो अब हम इसको कैरी को भी डाल देते हैं। अच्छा देखें ये अब मैं इसी स्टेज पे यहाँ पर इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, सॉल्ट मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल लें हसबे जायका जो आपको लगे। ये देखें बस मैंने अपने अंदाज़े से तकरीबन एक ही टेबल स्पून के करीब डाल लिया है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा चलाया है हमने इसको, और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ हल्का सा बिल्कुल मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है अपना,
लो फ्लेम करके और इसको मैं 5-6 मिनट का दम दूंगी, उसी में ये कैरी जो है बिल्कुल गल जाएगी। तो मैं इसको ढक रही हूँ और 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अच्छा देखें व्यूअर्स, 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलते हैं और ये देखें इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आपको लग रहा है, ये देखें इसमें ऑयल सारा आ गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है और ये पक गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और ये आप इसको किसी भी कंटेनर में बंद करके रखें और जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इसको सर्व करें, खाएं, इंजॉय करें। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें 2-4 और कड़ी पत्ते डाल सकते हैं खुशबू के लिए। खुशबू तो बेइंतहा आ रही है इसमें क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। तो ये हमने निकाल लिया है इसमें, इसको आप दाल के साथ सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसमें ये जो खड़ा खड़ा सा ऑयल आ रहा है थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं सब। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें और हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी हल्की और छोटी मोटी सी गर्मियों वाली रेसिपी लेकर आते रहें और आप इंजॉय करें गर्मी में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी और जल्दी बनने वाली रेसिपीज शेयर कर सकें आपके साथ। तो जल्दी हम आपसे एक नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।